वेलकम टू शाह किचन। आप सब कैसे हो? आज बनाने जा रही हूँ फिश फ्राई, कटला फिश फ्राई। चलिए बनाते हैं। यहाँ पर मछली ली हूँ, ये मछली का नाम कटला है। ये ऐसे, ये देखिए ऐसे, और टेस्ट भी बहुत अच्छी रहती है। मछली फ्राई करने से टेस्ट भी अलग सी रहती है और टेस्ट भी बहुत अच्छी रहती है। इसमें कांटे भी बहुत कम रहते हैं। यहाँ पर मछली 1 किलो ली हूँ मैं। मसाले बताती हूँ इसके लिए। लाल मिर्च पाउडर, नमक, चिली फ्लेक्स, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट और यहाँ पर 1 नींबू। सबसे पहले हम नींबू इसमें मिला लेंगे। यहाँ पर मैं इसमें नींबू डाल लेती हूँ पहले, क्योंकि खट्टा लगना है और नमक भी इसमें लगना है। इसीलिए मसाले जब तक तैयार होते हैं तब तक हम इसे नींबू और नमक लगाकर रख लेंगे। इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। देखिए नमक और नींबू लगा चुकी हूँ मैं इसे। अभी हम मसाले तैयार कर लेंगे इसके। यहाँ पर मैं 1 टीस्पून जितना अदरक और लहसुन का पेस्ट ले रही हूँ। धनिया पाउडर 2 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर यहाँ पर 1.5 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून। ये गरम मसाला घर का है इसीलिए मैं थोड़ा ही डालती हूँ, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग रहता है इसीलिए 1/2 टीस्पून। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, यहाँ नमक मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ, आप देखकर अपने हिसाब से ले लेना। पहले हम मछली में नींबू और नमक डाल चुके हैं इसीलिए मसाले में मैं थोड़ा ही डाल रही हूँ, आप भी देखकर डाल लेना। हमें इसे सब मिला लेंगे अच्छे से। देखिए मसाले को मैं मिला चुकी हूँ अच्छे से। आप चाहे तो इसमें चावल का आटा भी मिला सकते हैं यहाँ पर, और बेसन का आटा भी मिला सकते हैं। मैं नहीं मिला रही हूँ, मुझे यही बस है इसीलिए। ये देखिए पूरा, इसमें पानी नहीं मिलाना है, मैं सूखा ही इसे मिलाकर बताती हूँ आपको। ये देखिए मच्छी ले ली हूँ मैं, अभी इसको हमें ऐसे लगा लेना है बस। ये सूखा ही लगाना है, कच्चा नहीं लगाना है इसे। पहले हमें नमक और नींबू इसमें लगा चुके हैं पहले। ये देखिए ये सूखा मसाला बहुत अच्छा रहता है, लगाने से बहुत अच्छा रहता है। इसे मैरिनेट करके, मच्छी को मैरिनेट करके मसाला 10 से 15 मिनट आप रख देना, रखकर आप बनाकर खाइए, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी लगता है ये मच्छी। 1-2 पीस खाने की जगह मछली आप 4-5 पीस भी खा सकते हैं, इतनी टेस्टी रहती है ये। देखिए अब मैं सभी को ऐसे ही लगा लेती हूँ। सारी मच्छी को मैं मसाला लगा ली हूँ। अब इसे 10 से 15 मिनट हम ऐसे ही रख देंगे इसे, फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। थोड़ा हाथ की मदद से थोड़ा इसको ऐसा प्रेस कर लेना इसको, थोड़ा बस, मसाला नहीं निकलेगा। ये देखिए मसाला नहीं निकलता है, लेकिन ये मसाले की मछली तलकर खाने से बहुत टेस्टी रहती है। इसे 10 से 15 मिनट अब रख देंगे। यहाँ पर गैस ऑन करके मैं पैन को रख ली हूँ, अभी इसमें तेल डाल लेती हूँ। इसे ज्यादा डीप फ्राई भी नहीं करना है, थोड़ा बहुत डाल लीजिए बस, बस हमें इतना चाहिए तेल।
तेल को अब अच्छे से गर्म होने देती हूँ मैं। तेल अच्छे से गर्म होना है। यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है, अभी मैं मछली को डाल लेती हूँ। इसको तेल में डालते ही इसको फौरन नहीं पलटाना है, मसाला निकल जाता है, इसीलिए इसको ऐसे ही 1-5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ना है इसको मच्छी को, फिर इसको पलटाना है। तब तक इसको पलटाना नहीं है। इसको देखिए, अभी मैं पलटा कर नहीं हूँ, ऐसे ही रखी हूँ। थोड़ा बहुत ये होने के बाद हम इसको पलटाएंगे। ये मच्छी का नाम कटला है, ये बहुत टेस्टी भी रहती है मच्छी, इसका नाम कटला है। इसका हमारे घर में सभी को पसंद है मच्छी, सभी को पसंद है, सभी बहुत पसंद से ये खाते हैं। बहुत सालन से ज्यादा तली हुई मच्छी को बहुत पसंद से खाते हैं, लेकिन एक के सिवा मेरे बेटे को नहीं पसंद है, उसको नहीं पसंद है, बाकी सभी को बहुत पसंद है मछली। जब भी गरम गरम तलते हैं तो सभी गरम खाना बहुत पसंद करते हैं हमारे घर में। आप लोग भी गरम गरम ही खाइए, बहुत टेस्टी लगेगी। ये मच्छी का टेस्ट अलग रहता है, इसीलिए बता रही हूँ। और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जरूर से कीजिए। देखिए मैं अभी इसको पलटाती हूँ। ये देखिए मसाला थोड़ा भी नहीं निकला है, ये देखिए थोड़ा भी नहीं निकला है मसाला, ये देखिए ऐसे ही है मसाला। इसको और इसको 5 मिनट मैं ऐसे ही छोड़ती हूँ। देखिए पक चुकी है, अभी मैं निकाल देती हूँ। देखिए मसाला थोड़ा भी नहीं निकला है इसमें से, मसाला ऐसे ही लगते रहता है, क्योंकि हम नींबू और नमक पहले से लगा कर रखे थे मछली को, इसीलिए मसाला नहीं निकलता। देखिए तैयार हो गई, थोड़ा भी मसाला नहीं निकला है इसमें। मैं दूसरी मछली भी ऐसे ही तल लेती हूँ अभी। ये देखिए मसाला अच्छा लगता है, ये मसाला और टेस्ट भी लगता है बहुत। मैं सभी को अब ऐसे ही तल लेती हूँ। ये देखिए सारी मच्छी पक चुकी है, अभी मैं एक एक करके निकाल लेती हूँ। गैस को कर दी हूँ बंद, अभी मैं निकाल कर आपको प्लेट में निकाल कर बताती हूँ। टेस्टी करारी बहुत अच्छी बनती है ये मछली। ये देखिए तैयार हो गई है, अभी मैं प्लेट में आपको निकाल कर बताती हूँ। ये देखिए क्रंची, मसाला भी थोड़ा भी नहीं निकला है, बहुत क्रंची भी है। ये देखिए मैं बनाकर बताई हूँ आपको, कितनी अच्छी है और क्रंची भी है, बहुत टेस्टी रहती है। जरूर से बनाइए, खाइए आप लोग। ये देखिए मच्छी फ्राई कर मैं बताई हूँ, जरूर से इसे बनाकर खाइए। ये मछली का नाम कटला है, बहुत टेस्टी रहती है। मैं जरूर से बनाकर बताई हूँ, आप लोग जरूर से इसे बनाकर खाइए, जरूर से बनाइए खाइए। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। कल फिर मैं मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।